हेलो सॉरी पिछले वीडियो में ये किसी कारण से हमारा फ्लो मतलब रुक गया था और वो वीडियो डिसकनेक्ट हो गई थी। तो अभी मैं बात कर रहा था कि लॉकडाउन में और इस COVID-19 की वजह से बहुत सारे लोग का जॉब चला गया जो आईटी में, मेनली बिकॉज आई एम वर्किंग इन आईटी एंड आई एम सीइंग द सिचुएशन इन अ डेली मैनर एंड व्हाट काइंड ऑफ इशूज पीपल आर फेसिंग नाउ ए डेज बिकॉज ऑफ दिस वायरस और सिचुएशन। सो कुछ ऐसा है कि मतलब कि मैं लिंक्डइन पे मैं बहुत एक्टिव मेंबर हूँ बिकॉज आई हैव 3.6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी एंड यू नो आई यूज टू गिव द ट्रेनिंग एंड आई यूज टू अटेंड द सेशंस ऑन डेली मैनर टू लर्न और टू टीच बिकॉज आई लाइक द वे लाइक लर्निंग एंड टीचिंग, मतलब पढ़ना और पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जो भी किसी आदमी से कोई चीज़ सीखना और किसी लोग को सिखाना भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है भैया, तो वो सब छोड़िए, मतलब जॉब चला गया तो क्या होगा, और चला गया ही तो क्या हुआ। मेरा ये मतलब पॉइंट है। मैं पिछला वीडियो में मेरा Q&A सेशन था, मतलब कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसको मैंने आंसर करा, तो उसी बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई। तो भैया एक बात बता दो आप कि मतलब जॉब चला गया तो क्या हो गया भैया, तो आप मर जाओगे क्या, आप भूखे हो क्या? अरे यार जॉब गया है ना, तो ये मतलब एक सिचुएशन ऐसा खराब है। अब इसमें जॉब चला गया तो क्या होगा? ठीक है भाई, मैक्सिमम सिचुएशन क्या हो गया, हम गाँव जाएंगे, हम बच्चों खेती करेंगे। अब बताओ हम वहाँ पे जाके खेती करेंगे कि मर थोड़ी ना जाएंगे यार। बैंगलोर में अगर मान ली मेरे पास पैसा नहीं है रहने के लिए, तो भाई सीधा सा बात है, अगर ठीक है हमारे पास सेविंग्स नहीं है क्योंकि आईटी में मैं देखता हूँ आदमी मतलब उड़ाता पैसा, ठीक है उसको उसको कल का कोई परवाह नहीं होता है। आईटी लाइफ मतलब नाउ इट इज आई एम सीइंग और मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, मेरा मतलब 3-4 साल के करियर में मैंने क्या ऑब्जर्व किया है इस बैंगलोर में, मतलब मैक्सिमम लोग जो भी आईटी में जॉब करते हैं मतलब डे टू डे, मतलब वो मतलब एक जो लेबर टाइप का आदमी नहीं होता है उसके तरह मतलब काम करते हैं, ठीक, और वो पैसा उड़ाते हैं और पूरा जिंदगी आईटी एम्प्लॉय का, मैक्सिमम आईटी एम्प्लॉय का चलता है क्रेडिट कार्ड पे। भैया तो प्लीज ये जो टाइम है ना आपके लिए सीख है, अगर आपको अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं ना अभी भी पैसा सेव करने का कोशिश कीजिए। आप घर से बाहर निकले हैं मैन, यू केम आउट फॉर मनी राइट, सो सब कुछ कीजिए, सब कुछ करो यार, इंजॉय करो, मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन पहले ही पैसा सेव करके रखो यार, ये सीख है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मतलब सीख है। अभी अगर अभी तक नहीं सुधरे हो तो सुधर जाओ भाई, बिल्कुल हम तुमको तुम लोगों को मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, मैंने यही सीखा है। यहाँ पे पैसा आता है और उड़ता है उतना ही, सब लोग क्रेडिट कार्ड पे पल रहे हैं। अबे क्यों क्यों लेना है एक क्रेडिट कार्ड यार, अगर तुम्हारा खर्चा अगर इंक्रीज हो रहा है, कल हम पेप्सी का एक बॉटल खरीद के लाते थे और वो जब पी लेते थे तो उसमें हम क्या करते थे, उसको धो के मैं पानी पानी पीने के लिए यूज करते थे। अब देखिए 500 रुपये, 700 रुपये और 50 रुपये, 20 रुपये जैसे भी एक बॉटल आती है तो उसमें पानी भरते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब जहाँ से वो पैसा सेव करने का कोशिश कीजिए, मेरा ये नहीं कहना है कि मतलब आप नहीं सेंट्रलाइजेशन में जाइए, ठीक है, लेकिन आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि आपका खर्चा इंक्रीज हो रहा है, आपका बजट इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसी हिसाब से इनकम पे फोकस करो ना भाई। बढ़िया सिंपल सी एक सी बात बताता हूँ, आप एक कंपनी में अपना करियर शुरू करते हो एज ए फ्रेशर इन 2015, ठीक, वहाँ पे आपको आपकी सैलरी मतलब 2.4 मतलब 2,40,000 रुपया पर एनम पे आपकी ज्वाइनिंग हुई इन आईटी और कहीं भी, मैं तो आईटी को कंसीडर करता हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ आईटी में। अब यहाँ पे आपको 1 साल आप जॉब किए, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट हुआ 2.8 मतलब 40,000 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ और फिर भी आप कंपनी नहीं छोड़ रहे हो, बोल रहे हो कि टेक महिंद्रा है, विप्रो है और ये एक सैमसंग है और ये वो, भैया इसके लिए आए हो, कंपनी देखने के लिए आए हो, क्यों नहीं स्विच कर पा रहे हो आप, क्यों नहीं छोड़ रहे हो उस कंपनी को? चलो
जब 40,000 रुपया यहाँ पे एक साल में आपका होता है, तो 40,000 रुपया इंक्रीमेंट मिलता है, तो उसमें से टैक्स भी तो भरोगे ना, तो कितना हाथ में आएगा? 20 से 30 हज़ार रुपया के लिए आप आए हो यहाँ पे, और आप जो शो ऑफ कर रहे हो कि मतलब ओ माई गॉड डूड कूल डूड गोइंग टू पब डूइंग पार्टी बियर एंड ऑल, भैया ये सब तभी है ना, सब ये सब चीज़ ना लाइफ स्टाइल को जब इंक्रीज इंक्रीज कर रहे हो ना, मतलब अपना एक्सपेंसेस को, तो उसी हिसाब से इनकम भी सोचो, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है कंपनी को छोड़ो, दूसरा कंपनी पकड़ो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, स्किल्स इंप्रूव करो। ये यो डूड और हाई डूड ना फक्ड अप, सीरियसली हम बता रहे हैं। तो अब तो सीख मिल गई हो, चलिए छोड़िए, जॉब चला गया, जॉब चला गया तो चला गया, मेरे को तो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात यह है, जाएगी तो जाएगी। मैं अगर वेल्ड वेल मतलब मेरे पास बहुत नॉलेज रहेगा, मैं स्किल्ड एम्प्लॉय रहूँगा और बहुत और मतलब स्किल्ड प्रोफेशनल रहूँगा, मेरे को जॉब मिल जाएगा यार, जाएगा जाएगा, दूसरा आएगा, दिक्कत क्या है, जिंदगी खत्म हो जाएगी। जो इतना लोग से मैं देख रहा हूँ कि मतलब कि जॉब चली गई, जॉब चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, बड़ा टेंशन में पड़े रहते हैं, यहाँ फायरिंग हो रहा है, वहाँ पे फायरिंग हो रहा है, यार हो रहा है होने दो यार, तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हारे कमी है तभी तो तुम डर रहे हो। तो अभी ये टाइम है तुमको अपने आप को इम्प्रूव करने का, सीखने का है, कि सोचने का कि जॉब कल चला जाएगा तो क्या होगा, अरे यार पढ़ाई करो यार, पढ़ो, आईटी में आए हो ना अगर, तो आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा बाबू, और चाचा भाव भैया ताऊ जो भी बड़े बड़े लोग होंगे मेरे से, तो उनको ऐसे ही, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे पूरा यही देख रहा हूँ दिन में कि जॉब चली गई है, रेफर दो, ये करो वो करो वो करो, फलाना ढिमका करो, यार चली गई चली गई चली गई, चली जाएगी जाएगी तो जाएगी, चलो जब कमी कमी अपने में होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कमी अपने में ढूंढो, दूसरे में क्या है कि वो फायर कर दिया यार, मेरे में जब कैपेबिलिटी कैलिबर होगा तो मेरे को कहीं और दूसरी जगह वो होगा कि नहीं होगा, जो खाम का दिमाग यार पागल किए पड़े हैं, जहाँ से देखो मेरा जॉब चला गया, क्या होगा कैसे होगा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, ठीक है छोड़िए वो सब, जॉब जाए जाए, नहीं गया है तो बहुत अच्छा, जिनका चला गया है उनका भी बहुत अच्छा। तो अभी आप क्या कीजिए, आप जिस भी टेक्नोलॉजी में थे, जिसमें काम कर रहे थे, उसी में आप अगर जॉब चली गई है तो उसी में आप, मतलब ऐसा होता है ना कि मैं उसमें मैं मतलब ब्रिलियंट ही बनूंगा, जैसे जो बोलते हैं कि विराट कोहली का तो उसका कवर ड्राइव स्ट्रांग है, तो वो ज़्यादा छक्का मारने का कोशिश नहीं करता है, ठीक है? तो मतलब उसी टाइप से जिसमें आप हो उसको इम्प्रूव करो, ठीक है? जब उसमें एकदम सक्सीड हो जाओगे ना, तब जाके दूसरा कहीं ट्राई करना, पुल शॉट खेलना, और फिर जो जो अपर कट होता है और जो भी जो हेलीकॉप्टर शॉट होता है वो सब खेलना बाद में, पहले जो है ना उसमें स्ट्रांग बनो, ठीक है? तो अभी भैया जॉब चली गई है, तो आप जिसमें जॉब कर रहे थे उसी फील्ड में, जहाँ जहाँ पे आपको परेशानी हो रही थी, जिस चीज़ में दिक्कत हो रही थी, और जॉब भी सर्च करना उसी में शुरू करो। और ये सब दूसरे में मतलब मैं जावा पे काम कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि मेरे को डेवऑप्स सीखना है, तो मैं कल जाके दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लिया लॉकडाउन में, और ये कर लिया वो कर लिया, हे ये सब नाटक नाटक की मत पढ़ो, जहाँ हो उसी फील्ड में रहो और उसी में जॉब सर्च करने का कोशिश करो, ठीक है? बहुत सारे साइट्स पर अप्लाई करो, डेली अप्लाई करो, कोई दोस्त दोस्त है जितने भी जानते हो कांटेक्ट में फैलाओ, ठीक है? और मांगो रेफरल के लिए, ठीक है? और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सोच रहे जॉब चले जाएगी, अरे यार पढ़ो लिखो यार, अपना स्किल्स इंप्रूव करो यार, जॉब चली जाएगी तो कहीं जब कुछ रहेगा तभी ना तुमको कोई कोई दूसरा कंपनी लेगा, कि रोने से होगा है? फालतू के लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, मतलब मेरे को दिमाग खराब हो रहा है, कैसे यार ऐसे ऐसे लोग, मतलब सब और सबकी और सब चीज़ के लिए तुम्हारे पास टाइम है, और सब चीज़ के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, और इसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस लॉकडाउन से, और जॉब जाए तो जाए, नहीं रहे तो रहे। भाई मेरे में अपना इनबिल्ट क्वालिटी होना चाहिए, मैं एक पैकेज बनूंगा, मतलब एक बॉटल की तरह एक मैं पैकेज हूँ, और मेरे पास ये है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है? और होना ना होना दूसरे के हाथ में, ठीक है? तो पहले अपने आप को बिल्ड करना है, ठीक, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो ऐसा है, ठीक है? अगर सुनिए, और एक और बात,
जिन जिन लोग की जॉब चली गई ना और जो डर रहे हैं ना, एक और बात बता रहे हैं, संडे वनडे को ना ये मेरे को पिंग कीजिए, मैं कॉल करके समझाता हूँ। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है जॉब जाना और ना जाना। और ये और कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जॉब सीकर्स के लिए, रोड मैप मैंने एक बनाया है। तो पहला क्या कीजिए, रादर देन थिंकिंग दिस काइंड ऑफ दोस काइंड ऑफ बुलशिट थिंक एंड गोइंग एंड टॉकिंग टू सब डर्टी फेलो निगेटिव फेलो हु विल ऑलवेज टेल यू द निगेटिव सीनैरियो और दे विल पुट यू इन टू द निगेटिव सर्कमस्टांसेस। सो डोंट गो एंड फॉल विथ डैट काइंड ऑफ पीपल, निगेटिव पीपल, नकारात्मक सोच वाले। मेरे को ऐसे भी पर्स मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। निगेटिव लोग मेरे आसपास थे, मैं उन लोग को निकालता हूँ, लात मार के निकालता हूँ। ऑलवेज जहाँ भी रहो तुम्हारा सर्कल अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये निगेटिव लोग के साथ नहीं रहना, ठीक है? जो साला खाते हैं अपना और वो मतलब वहीं पे क्या बोलते हैं, खा लिए वहीं पे, उसका जूठा छोड़ दिए उसी पे सो गए। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। कैसे बड़ा है, बहुत बतेरे बने। ठीक है छोड़ो। जॉब सीकर्स के लिए रोड मैप है, ट्यूटोरियल सीरीज सेलेक्ट करो और उसको डे बाय डे की कोई टॉपिक जो है, तो कोई कोई मतलब जैसे कोई ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हो तो उसका एक एजेंडा होता है, उसका एक सिलेबस होता है, ठीक है? तो ऐसे नहीं कि हम इसको कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, लॉकडाउन में कर लेंगे, कुछ नहीं। डे बाय डे, आज अगर 15 जुलाई है तो 15 जुलाई में कितने टॉपिक आप कवर कर रहे हो, मैक्सिमम आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, कि उसके हिसाब से आप शुरू करो, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हम कर ले आज नहीं हुआ तो नहीं, तो ऐसे ऐसे आज जस्ट करते ना करते पूरे 2 साल निकल जाएगा, फिर घूमते रहोगे। तो डे बाय डे अपने आप का एक वो शेड्यूल करो, ट्यूटोरियल सेलेक्ट करो, कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से मटेरियल अच्छे लगते हैं उसका रिव्यू देखो, वहाँ से उठाओ जावा पाइथन जिसमें इंटरेस्ट है उसमें, और जिसमें जॉब्स पहला प्रायोरिटी वहाँ पे है कि जहाँ पे आप जॉब सर्च कर रहे थे उसी फील्ड का टॉपिक, उसी टेक्नोलॉजी का टॉपिक जहाँ पे आप लाइक कर रहे थे, और नहीं भी लाइक कर रहे थे तो पहले जॉब सर्च करना उसमें ईजी होगा क्योंकि आप उसमें जॉब कर रहे थे, रादर देन की गोइंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है? तो पहले आपका प्रायोरिटी जॉब लेना है, एक बार जॉब हो जाए देन यू कैन गो और यू विल गो और यू विल जंप और स्विच इन टू द न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू न्यू डोमेन, ठीक है? मेरे हिसाब से तो पहला फर्स्ट ट्यूटोरियल सेलेक्ट कीजिए, टॉपिक्स टॉपिक वाइज डे बाई डे प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद प्लान फॉर इंटायर डे, मतलब एक दिन में आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है? कि आपको टीवी देखना कितना देर है, खाना कितना देर बनाना है, बच्चे के साथ कितना खेलना है, गर्लफ्रेंड के साथ कितना बात करना है, और आपको वॉलीबॉल फुटबॉल क्रिकेट और जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो करना है, और उसके बाद आपको कितना देर पढ़ना है। तो उसके लिए रोड मैप तैयार करना पड़ेगा आपको, ठीक है? पॉइंट मैंने लिख लिया है और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर नहीं फॉलो किए डे बाई डे रूटीन में, कोई भी हो, कोई भी बंदा, मैं हूँ, कोई भी नहीं फॉलो करता ना, हाँ ठीक है मैं भी कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, मेरा आजकल आजकल इतना सिनेरियो मतलब वर्स्ट हो चुका है कि मैं मतलब दिन में कुछ पढ़ भी नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस का काम है। तो हाँ, तो जो प्रायोरिटी वर्क जो भी रहता है तो उसमें उसमें पहला वो होता है, पहला ध्यान देना चाहिए। अगर कल हो कि मैं काम ही नहीं करूँगा, मैं बस न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सीखने पर ही फोकस करूँगा, तो भाई जब काम ही नहीं हो पाएगी तो वो कंपनी तो मेरे को जहाँ पे हो तो पहले ही निकाल देगी ना, समझ रहे हो ना? तो वो सब चीज़ कभी कभी होती है। एक्सक्यूज मतलब एक पॉजिटिव मैनर में देना है अपने आप को और निगेटिव मैनर में नहीं देना है, ठीक है? और जो भी हैं आप, 8 साल 10 साल 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस है, घबराने घबराने की कोई बात नहीं है, जॉब सबको होती है, और जॉब मतलब नौकरी मतलब नौकर हो कहीं का, ठीक है? और उसके लिए मतलब कोई सेट ऑफ रूल्स और क्राइटेरिया और स्किल्स होना चाहिए, ठीक है? निकाल दिया यार क्या है तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रहना है, बोल रहना है। कोई भी डाउट हो मेरा इंस्टाग्राम पे पिंग कीजिए, मैं नहीं आंसर दूंगा, मैं तो कोई बात नहीं है, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं पूरा वीक नहीं आंसर दे पाऊंगा क्योंकि मेरे बहुत मतलब बिजी शेड्यूल है राइट नाउ इन दिस लॉकडाउन, ठीक है? कंपनी का काम और जो भी है बहुत दुगुना हो चुका है, ठीक है? तो घबराने की कोई बात नहीं है भैया, जॉब चली जाएगी, हम गांव जाएंगे। पहले तो लोग ये क्या सोचते हैं कि हम, लोग क्या सोचेगा भाई, लोग क्या सोचेगी, लोग क्या सोचो सोचेगी, ये तुम सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे यार, हमको तो बहुत लोग पागल बोलता है। अब हम क्या बताएं, आप हमारा देखिए, एक मेरा पहले वाला वीडियो होगा उसमें मेरा 2-3 हज़ार कमेंट निगेटिव ही होगा, तो क्या हम उससे निगेटिव हो गए हूँ?
उन चूतियों लोग के कमेंट करने से। ठीक है भाई, एक चीज़ और बताता हूँ, मैं बहुत रूड बात करता हूँ, बहुत मतलब नॉर्मल सा बात करता हूँ, और मैं बहुत जेन्यून बात करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर और ये सब नहीं हूँ। मेरे को बोले था कि मेरे को बहुत लोग बोला था, तो मैंने एक गलत गलती करके मैंने अपना पूरा वीडियो डिलीट कर दिया था यूट्यूब से। मेरा बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, तो अब नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और तुमको कोई भी हेल्प चाहिए बेंगलोर में और आईटी जॉब में और कोई भी जॉब में, मेरे को डायरेक्टली आप पिंग कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। मैं आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन रिप्लाई नहीं करूँगा, 6ठे दिन मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और हमेशा एक सोल्यूशन सोल्यूशन के साथ मैं आऊँगा। ठीक है, तो घबराने का नहीं है भाई, जहाँ तक हेल्प होगा मैं करूँगा, जहाँ तक आपको मोटिवेट करने की बात होगी, जहाँ पे आपको समझाने की बात होगी, जहाँ पे आपको रेफरल देने की बात होगी, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर माई पीपल। ओके, सो मेरा हमेशा एटीट्यूड ऐसे ही एग्रेसिव रहता है, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है ना, मैं ज़्यादा ये हम देखते हैं, बहुत लोग बहुत क्या मतलब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीते हैं। ठीक है, मतलब बहुत लोग ये सोचेंगे ना, मतलब बहुत बड़ा आदमी हूँ, है कुछ नहीं, घंटा नहीं, जस्ट लाइक। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको, कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, जो भी सॉल्यूशन है मैं बता दिया, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड। जब तक आप आईटी में हो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, न्यू स्किल सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं अपग्रेड कीजिएगा तो वही, और मैंने बताया ना कि आप एज ए फ्रेशर 2.4 पे करते हो ज्वाइन, आपको एक साल बाद 2.8 होता है, फिर आप सोचते हो कि अरे यार फिर हम नया हाइक हो गए हो, तो कंपनी देखिए प्यार मतलब जॉब से कीजिए, व्हाट यू आर डूइंग इन डे टू डे लाइफ, डोंट फॉल इन लव विथ कंपनी। ठीक है, वो मतलब कब निकाल देगी आपको भी कोई पता नहीं, और ये बहुत लोग आप लोग जानते हो जो भी देख रहे हैं। ठीक है, देखो भैया हम कुछ वीडियो वीडियो एडिट उडिट नहीं करते हैं, हम भैया हम साक्षात बिहारी आदमी हैं, और हमको ये सब हाय डूड हेलो डूड वाला हम आदमी हैं नहीं, हम नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं हम। मतलब मदद करेंगे, मदद मांगिएगा तो मदद करेंगे, नहीं मदद मांगिएगा फिर भी आपको समझाएंगे, और हमको ये लोग को गुमराह करने वाला और कुछ मतलब कि कोई चार्जेज हो, शुल्क हो, ये करेंगे, आपको रेफर कर देंगे, ऐसे मेरा फिक्टिशियस और मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी नहीं है, हम थोड़ा बोलने में ऐसा मेरा प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल इम्प्रूव, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई try to improve myself, that's it, and I'm trying to learn my thing, new things as a daily manner. ठीक है, ठीक है, कोई हेल्प हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चलिए, बी कॉन्फिडेंट।